नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज हलवाई। राज हलवाई रेसिपी में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, राज हलवाई रेसिपी में आज बन रहा है बूंदी के लड्डू। हलवाई किस तरह से बूंदी के लड्डू बनाते हैं, तो आज आप देखिए इस तरह के बूंदी के लड्डू बहुत टेस्टी और बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ हमने चाशनी पहले बना लिया है, इसमें 2 kg शुगर और 1 लीटर पानी ऐड करके और उबाला देके इस तरह हमने थोड़ी देर पका के चिपचिपी सी चाशनी तार वाली, पतली तार वाली बन जाती है। तो इस तरह हमने चाशनी बना लिया है। उसके बाद में हमने 1 kg मोटा बेसन लिया है चने का। ये देखिए, इस तरह मोटा बेसन चने का मार्केट में मिल जाता है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका बैटर गाढ़ा तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह हम पानी ऐड करते जाएंगे और हाथों से मिक्स करते जाएंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके गाढ़ा बैटर बनाना होता है। ये देखिए, इस तरह पहले हम गाढ़ा तैयार कर लेंगे, बाद में हमें जितना गाढ़ा रखना होता है उतना हम थोड़ा पानी और ऐड कर देते हैं। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बनाएंगे। ये देखिए, इसको हाथों से बिल्कुल फेंट देना होता है जिससे इसमें डरी वगैरह बिल्कुल ना हो। तो इस तरह हम ये बैटर बना के तैयार करें। तो ये देखिए, इस तरह हमारा बैटर बन के तैयार है। ना ज़्यादा पतला होता है ना ही ज़्यादा गाढ़ा होता है, बस इतना देखना पड़ता है कि हमारे पोने में से निकल जाए, जो पोना हम बेसन वाला यूज करेंगे उसमें से निकल जाए। तो हम आपको पोना भी दिखाते हैं, उसके लिए इतना गाढ़ा बेसन हमें चाहिए। ये हम 2 पार्ट में थोड़ा थोड़ा 100-100 ग्राम बैटर हम निकाल देते हैं 2 प्लेट में। इसमें हम अलग अलग सा कलर लगाएंगे। एक में हम हरा सा लगा लेंगे, इससे हरी सी बूंदी निकलेगी। दूसरे प्लेट में हम रेड गुलाबी लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह हम मिक्स कर देंगे जिससे हमारा बेसन गुलाबी कलर का हो जाता है। ये 100-100 ग्राम बेसन का बैटर हमने अलग 2 प्लेट में निकाल के लगा दिया। अब हमारा बचा ज़्यादा वाला बेसन, उसमें हम पीले कलर का लगा लेंगे क्योंकि हमें पीले कलर वाला ज़्यादा बनाना है। हरे और लाल का सिर्फ छिट्टे से पड़े होते हैं तो हमारे लड्डू बहुत देखने में अच्छे लगते हैं। तो इस तरह के लड्डू हम बना के तैयार करेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो चाशनी थी हमारी ठंडी हो गई थी, ये हम गर्म कर लेंगे। ये 2 kg हमने शुगर ऐड किया था और 1 लीटर पानी ऐड करके हमने उबाला दे के तैयार कर लिया। ये चिपचिपी सी चाशनी पतली तार वाली बन जाती है। यहाँ हमने भट्टी का फ्लेम मीडियम से चला के कढ़ाही रखा है। इसमें हमने घी और रिफाइंड दोनों मिक्स रखा है बूंदी बनाने के लिए, जो गर्म हो रहा है। और ये हमारा पूना है। पूना 4 नंबर और 5 नंबर का, ऐसे कानपुर का पूना आता है, इसे बूंदी वाला पूना मिल जाता है। तो सबसे पहले हम रेड कलर की बूंदी बनाएंगे। ये रेड जो होता है, पिंक वाला वो है। इस तरह हम पूने में डाल देते हैं और नीचे हमारा बूंदी घी में गिरता रहता है। घी गर्म होना चाहिए, तो इस तरह ये जब गिरता रहता है तो गोल गोल सी बूंदी गिरती रहती है। ये देखिए, हाथों से हिला देते हैं। ये थोड़ा बेसन होता है, इसको हाथों से लेप करना पड़ता है। ये देखिए, और सारी हमारी बेसन नीचे गिर जाती है कढ़ाई में और गोल गोल सी बूंदी तैयार हो जाती है। तो इस तरह हम बनाएंगे रेड कलर वाली बूंदी। तो यहाँ हम बूंदी को पका लेते हैं। जब अच्छी तरह ये पक जाती है तो उठा के हम चाशनी में डाल देते हैं। ये देखिए, और चाशनी गरम गरम होती है, तुरंत हमारे बूंदी में अब्जॉर्ब कर लेती है, भर जाती है और मुलायम हो जाती है। तो ये देखिए, इस तरह हमारे रंग बिरंगे लड्डू बनते हैं। अब यहाँ हम ग्रीन कलर का बनाएंगे, बस उसी तरह हम ग्रीन कलर का बना लेंगे। इस तरह हमने ग्रीन बेसन डाल दिया पोने में और इस तरह हम ये देखिए हाथों से दबा देते हैं। बेसन थोड़ा होता है और इस तरह झाड़ देते हैं थोड़ा सा कि सारी हमारी बेसन निकल जाए और गोल गोल सी बूंदी हमारी बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, इसको भी हम पका लेते हैं और पकाने के बाद हम चाशनी में उठा के डाल देते हैं। तो इस तरह हमारी बूंदी बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए, अब यहाँ हमारी ग्रीन कलर की बूंदी तैयार हो गई, इसको भी हम चाशनी में उठा के डाल देते हैं। तुरंत ये गरम गरम चाशनी बीच में भर जाती है। ये देखिए, इस तरह हम डाल दिए। अब ये 2 कलर की बूंदी हमारी बन के तैयार हो गई है, इसको भी बस हिला देते हैं। चाशनी हमारी पूरी गर्म है और इस तरह हमारा जो है बूंदी बनके तैयार हो जाता है। अब हमारी ये 2 कलर की बूंदी तैयार हो गई, इसको हम किसी बर्तन में निकाल देते हैं पहले, फिर हम इसमें डालेंगे पीले कलर की बूंदी। और ये कलर की बूंदी हम निकाल के अलग रख देते हैं इस बट्ठल में। ये सिल्वर का बट्ठल है, इसमें हम निकाल के अलग रख देते हैं। ये देखिए, सारा अच्छी तरह निकाल लेंगे, उसके बाद में हम बनाएंगे पीले कलर की बूंदी।
ये देखिए ये पीले कलर की जो हमारी बेसन है ये ज़्यादा है, इस तरह आप डालते जाइए, ये देखिए और बूंदी हमारा बनता जाता है। इसको हाथ से लेप करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बेसन हमारा ज़्यादा है पीले कलर वाला। इस तरह हम जो साइड की डंडी होती है इस पर इस तरह हल्का हल्का ठोकते जाते हैं और बूंदी हमारा सारा नीचे गिर जाता है। ये देखिए थोड़ा बेसन जो बच जाता है अभी हमारे पास है उसी में रख देते हैं। ये देखिए ये हमारा बेसन थोड़ा पौने में बच जाता है एंड में, तो इसको हम उसी में रख लेते हैं। जो बेसन हमारा पौने में बच जाता है इसको उसी में हम साफ़ कर देते हैं जिसमें हमारा पीला बेसन पड़ा हुआ है। ये देखिए इस तरह हम पका लेते हैं। इसको उतना पकाना चाहिए जितने ये कड़ाकी सी हो जाए, फिंगर से हम चेक कर लेते हैं अगर ये कड़ाकी हो गई। ये देखिए इस तरह हम चेक कर लेते हैं, ये पूरी कड़ाकी जब हो जाती है तो इसको उठा के चाशनी में डाल देते हैं। ये देखिए तो इस तरह हमने चाशनी में डाल दिया, अब ये तुरंत चाशनी हमारी भर जाती है। तो बस इसी तरह हम बनाते जाएंगे। अब पीला बूंदी हमें अलग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी में हम और भी बैचेस डालते जाएंगे। तो इस तरह हम दूसरा बैच भी इसी तरह बना लेंगे। ये देखिए अब ये पीले कलर की बूंदी ज़्यादा बनानी है तो इस तरह हम बनाते जाएंगे, दो तीन बैच में हमारा बन जाएगा और चाशनी में डालते जाएंगे। ये देखिए इसको पका लेते हैं अच्छी तरह, जब ये पक जाए तभी डालना चाहिए, ये कड़ाकी हो जाती है बूंदी तब डालना चाहिए, नहीं तो हमारे जो लड्डू हैं कच्चे से लगेंगे, इसलिए हम अच्छी तरह इसको पका लेते हैं। ये देखिए अभी अब जब बूंदी अच्छी तरह पक जाती है तब चाशनी में डालते समय ये पूरी बूंदी के बीच में चाशनी भर जाती है। ये देखिए बस इसी तरह हम चाशनी में डालते जाएंगे। हमारा एक दो बैच पीछे और है, वो भी हम इसी तरह बूंदी बना लेंगे तब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए तो हमारे पीछे दो बैच था वो भी हमने बना लिया है। बाद में ये जो हमारी ग्रीन और रेड कलर की बूंदी है इसको हम बीच में मिला देते हैं। ये देखिए अब ये छिट्टे से नज़र आएंगे लड्डू में, क्योंकि ग्रीन और रेड कलर की बूंदी थोड़ी है, पीले कलर की ज़्यादा है, तो ये हमारे देखने में लड्डू बहुत बेस्ट दिखाई देते हैं। ये देखिए अब इस तरह हम मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह हम दम दे देते हैं, इसी कढ़ाई में पड़ा रहेगा कम से कम 15-20 मिनट के बाद हम इसको निकाल देते हैं एक ट्रे में। अब हम लड्डू बनाएंगे, क्यों हल्का हल्का ये गर्म रहता है, ज़्यादा गर्म नहीं रहता है तब हम लड्डू बनाते हैं। तो इस तरह हम हाथों से एक बार मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इस तरह लड्डू बनाते जाते हैं। ये देखिए दो दो लड्डू हम बनाते जाते हैं और हमारा लड्डू बिल्कुल गोल सा तैयार हो जाता है, बूंदी वाला, एक एक बूंदी हमारी दिखी जा रही है। तो इस तरह लड्डू हमारे तैयार होते हैं, तो बना बना के हम ट्रे में डालते जाते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अपने काउंटर वाले डिश में लगा देते हैं और इस तरह हमारी मोटी बूंदी की लड्डू बना के तैयार हो जाता है और वहाँ से कस्टमर ले जाते हैं। तो इस तरह मोटी बूंदी के लड्डू या राजस्थानी लड्डू के बूंदी भी इसे कहते हैं, इस तरह आप भी बना सकते हो और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं।